बीच में आने के लिए किसने बोला? एक बार पे समझ में नहीं आता, तुम्हारी तलाक के देते दोस्तों। ड्रामा सीरियल धोखे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अहमद एक बार फिर कोमल से पैसे मांगेगा। इससे पहले ही ये इसके सारे जेवरात और बहुत सारे पैसे ले चुका होता है, मगर इस बार कोमल इनकार कर देगी और इसकी पहली बीवी कायनात कहेगी कि हम पहले ही बड़ी मुश्किल से इस घर को चला रही है, और फिर कायनात इसके मुँह पर प्लेट उठा कर मार देगी, क्योंकि कायनात इसकी हर हक से वाकिफ होती है कि अहमद का काम ही धोखा देना है, क्योंकि ये हर बार इनको डबल पैसे की लालच देता है। मगर इस बार ये ऐसा नहीं करती। कायनात घर चलाने के लिए सारा दिन जॉब ढूंढती रहती हैं और इसकी बच्ची का ख्याल कोमल रखती हैं। इसके बाद अहमद कायनात को तलाक दे देता है और अपने घर से निकाल देगा। कायनात का भाई नामुराद कहता है कि अच्छा हुआ, और कहेगा कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, मगर ये कायनात कहेगी कि इस मुआशरे में एक तलाक याफ्ता औरत को जिंदा लाश तसव्वुर किया जाता है। अहमद कोमल को भी पैसे ना देने की वजह से कमरे में बंद कर देता है। इस बात का मालूम हादी को होता है तो ये भाग कर वहाँ आ जाता है। अहमद कहता है कि आशिक को मालूम हुआ नहीं कि गड़बड़ है, इससे पहले ही भाग आया। इस पर हादी को काफी गुस्सा आएगा और कहेगा कि हाँ मैं आशिक हूँ, और कहेगा कि कोमल को कमरे से निकालो, मगर अहमद इनकार कर देगा और इन दोनों भाइयों के दरमियान काफी लड़ाई हो जाएगी और इसको हादी काफी मारेगा।